आज के इस लखपति दीदी सम्मेलन के कार्यक्रम में हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ राजस्थान की इस पावन धरा पर इस सम्मेलन में हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का, मैं राजस्थान की जनता की तरफ से, राजस्थान के एक एक जन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे राज्यपाल सम्माननीय कलराज मिश्री जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब इस कार्यक्रम में आए हैं। माननीय हमारे कैलाश चौधरी साहब इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। हमारे बीच में माननीय हमारे विधायक जैसलमेर छोटू सिंह जी, विधायक पोखरण शैतान सिंह जी और हमारे अतिरिक्त मुख्य प्रतापपुरी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार जी। मैं इस तनोट माता के पावन स्थान पर, बाबा रामदेव की पावन भूमि पर, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये शौर्य की धरती, ये सीमावर्ती वो इलाका है जहां इन्होंने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। ये विपरीत परिस्थितियों में चलने वाला हमारा ये जिला है। जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि जैसलमेर बाड़मेर एक सीमावर्ती जिले हैं और इसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उन सभी माता बहनों को, उन्होंने एक इतिहास बनाने का काम किया है और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो काम करते हैं, हमारी ये राजस्थान की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला कल्याण के लिए कृत संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिला समृद्धि के कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि पता है अगर महिला समृद्ध होंगी तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस योजना के साथ की थी, जिस विचार के साथ की थी, निश्चित रूप से उनकी यह सोच, क्योंकि हमारा देश अगर सशक्त हो सकता है तो महिला सशक्तिकरण के आधार पर हो सकता है। हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस स्वयं समूह सहायता की वजह से 2 करोड़ माता बहनों को रोजगार मिला है। इस योजना में राजस्थान की 11,25,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। हम भी स्वयं सहायता समूह को और अधिक सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश महिला सशक्तिकरण के लिए SHB मिशन शुरू करने का संकल्प लिया है। 10 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प में 2 लाख नए महिला SHG बनाने का लक्ष्य है और उन्हें सरल ऋण सुविधा एवं मार्केट लीकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्य योजना बनाई गई है। SHG में काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर
1,00,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का रोड मैप तैयार किया गया है। हमारी सरकार ने राजस्थान के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं को अनुरूप हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी किए हैं। हर जिले में एक महिला थाना स्थापित करने की हमारी योजना है। हर पुलिस थाने पे महिला डेस्क स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने, नागरिकों को सशक्त करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। आप इस यात्रा से जुड़े। इस यात्रा में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को जुड़ने के लिए, उसके उत्थान के लिए और उन योजनाओं का क्रियान्विति किस तरह से पूरे राज्य के अंदर हो, पूरे देश के अंदर हो और उसमें नए लाभार्थी जो पात्र लोग हैं उनको किस तरह से फॉर्म भर के उनको आगे की योजनाओं का लाभ मिले, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक राजस्थान में एक प्रदेश से लेकर के जिले से लेकर के पंचायत समिति से और एक ग्राम पंचायत तक एक मॉनिटरिंग टीम की हमने स्थापना की है। वो हमारी टीम पूरी नीचे तक जाएगी। नीचे तक जाकर जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्तियों को उन सुविधा दिलाने का काम हमारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत होगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हर यात्रा में अपने अपने क्षेत्र में सभी जगह जाएंगे और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये उस गरीब कल्याण के लिए है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की को लेकर के अंतिम पायदान पर जो हमारा व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से हम लाभ दे सकते हैं, उस अंत्योदय के प्रण को लेकर के हमारी ये सरकार माननीय देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदया जी से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस व्यस्ततम समय में से हमारे छोटे से अनुरोध पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने ये समय निकाला। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की तरफ से, राजस्थान के जन जन की तरफ से और हमारी जितनी भी इस कार्यक्रम में महिलाएं आई हैं उन सभी की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।